हवाई पट्टी पर हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। उधर यूकेडी भी इस मुद्दे पर को हवा दे रही है, सरकार से सवाल कर रही है कि सीमांत इलाके के लोगों की अनदेखी आखिरकार क्यों हो रही है। पिथौरागढ़ की नैनी सैनी हवाई पट्टी से विमान नियमित रूप से कब उड़ान भरेंगे, लोगों के जहन में इन दिनों यही सवाल है। हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का काम अधर में लटका है, जिस वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल जिस जगह हवाई पट्टी बनी है उसके आसपास आबादी वाला क्षेत्र है। जितने बोला एयरपोर्ट के अंदर जा रही है तो इसका एयरपोर्ट से करेगी बोला। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमने ATM आई तो बोलते हैं इसका कुछ पता नहीं है शासन प्रशासन को, और हमारे मकान जो है बार बार पुराने मकान सब कुछ, वहाँ हमारा जीना हरा हमारा पटा रहा है कि नाप में हम कुछ बता रहे तो बोलते हैं कि भाई ये तो सब उठेगा। अब उठेगा तो साहब किसी का ये झोपड़ी तो है नहीं, यहाँ से उठ के चले पुस्तानी हमारी ज़मीन है, यहाँ पर हमारे पुस्तक आ गए सब कुछ कर गए और हमें इस प्रकार से सूर्य की इनकी प्लानिंग करा दें। 2018 में 65 करोड़ रुपए की लागत से नैनी सैनी हवाई पट्टी का विस्तार किया गया था। इसका रनवे 1600 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। 8 अक्टूबर 2018 को यहां पहली ट्रायल लैंडिंग हुई। DGCA की इजाजत मिलने पर आखिरकार 17 जनवरी 2019 को पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू कर दी गई। मगर UKD इस बात पर सवाल उठा रही है कि यहां से रेगुलर उड़ानें कब शुरू होंगी। वो आपने एक 40 साल पुराना एक 9 सीटर जहाज चलाया, उसका पता था कि 40 साल पहले का है, उसमें मेंटेनेंस नहीं है और उसका एक दिन दरवाजा गिर गया, एक दिन वो फिसल गया। तो इस तरह से हमारी इंसल्ट की है इस सरकार ने, केवल पिथौरागढ़ की जनता की सुविधा के लिए बल्कि यहाँ के लोगों की आबरू इज्जत के लिए कि इतनी इंसल्ट हमारी हो गई है कि इससे ज़्यादा क्या करोगे, क्या बर्दाश्त करोगे, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नैनी सैनी हवाई पट्टी से 11 अक्टूबर 2019 को गाजियाबाद के हिंडन के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की गई थी, मगर 20 मार्च को लैंडिंग के दौरान रनवे पर विमान फिसलने के बाद से विमान सेवा ठप है। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के लोगों को इंतजार उस पल का है जब नैनी सैनी हवाई अड्डे से नियमित उड़ानें शुरू होंगी। ABP गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।